हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं नौबतपुर, देख सकते तिरेत पाली जो ठकवारी है उसी जगह आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठकवारी बनी हुई है और स्वामी जी अंदर में है। स्वामी जी से मिलने के लिए कई सारे लोग आए हुए हैं। अभी काफ़ी भीड़ है इस जगह पर और इसी ठकवारी में स्वामी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो प्रवचन सुनाने के लिए आए हुए थे। स्वामी पंडित करें मेरे पीछे, इसी के पीछे पंडाल बना हुआ था, काफ़ी बड़ा पंडाल बना था। लाखों लाख की संख्या में इस जगह पर भीड़ थी। इस जगह पर आप देख सकते हैं, ये तो ठकवारी इसे ठीक पीछे में बना हुआ था। और चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं ठकवारी अंदर में, क्योंकि अंदर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, बट आप दिखा सकते हैं कि चलिए ठकवारी आप लोग को घुमा देते हैं। और आप देखते हैं कि इसी जगह से मेन एंट्री द्वार है जो कि अभी दोस्तों ठकवारी है, देख सकते हैं ये ठकवारी बनी हुई है तिरेतपाली मठ बोलते हैं। ये देख सकते हैं कितनी बड़ा विशाल बना हुआ है, 33 एकड़ में फैली हुई है ये मंदिर की बाउंड्री 33 एकड़ में फैली हुई है दोस्तों, देख सकते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं स्वामी जी की गाड़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही स्वामी जी आए हुए थे और अंदर में सबसे मुलाकात कर रहे हैं अभी। आइए देखिए ठकवारी, और दोस्तों ये भी देख सकते हैं यज्ञशाला बना हुआ है दोस्तों। आप एक नज़र देख सकते हैं कितनी बड़ी यज्ञशाला बना हुआ है, जो कितनी बड़ा में बना हुआ है यज्ञशाला जो। और ये साइड में गाय भैंस वगैरह जो भी है गौ माता वगैरह को बांधने के लिए स्थान बनाया गया है इस जगह पर। कम से कम भी तो 100 से 150, हमारी उम्मीद से 100 से 150 गाय और भैंस और बच्चा रहते हैं, रखी जाती है इस जगह पर। खाना क्या आप देख सकते हैं ठीक सामने में, और इधर में गाय के खाने के लिए चारा बुना गया है इस जगह पर। और इस जगह पर ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है जो अस्तबल बना हुआ है, ये सामने जो करकट दे रखी है ना, इसी जगह अस्तबल बना हुआ है। और ठीक इसी के सामने यज्ञशाला के ठीक सामने स्वामी जी का मेन गेट हुआ, जो कि स्वामी जी आप देख सकते हैं सामने की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस जगह पर। आप देख सकते हैं दोस्तों इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि स्वामी जी अंदर बैठे हुए हैं वो जगह पर देख रहे हैं। सुनो जिसकी जी क्या जो भी दिक्कत परेशानी है वो इस जगह पर आकर के स्वामी जी बैठे हुए अंदर में वो देख रहे हैं। और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है स्वामी जी का मेन गेट का ठकवारी का। देखिए सामने से कुछ इस तरह का नज़ारा है ठकवारी का। के अस्तबल बना हुआ है, उसी में घोड़ा बांध रखे हैं, दो घोड़े भी हैं और दो घोड़े अंदर में, दो चार घोड़े अंदर में बंधे पड़े हैं जो कि चारा खा रहे हैं इस जगह पर आकर। चारा मिला हुआ है अस्तबल में, एक चारा खा रहे हैं। और देखिए दोस्तों स्वामी जी से मिलने के लिए कितने सारे लोग अभी बाहर में वेट कर रहे हैं और कितने सारे लोग अंदर में हैं अभी देख ही सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है ये ठकवारी का, काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है ठकवारी, जो कि आप देख ही सक दिखाए हैं वीडियो में। और ये यज्ञशाला है जो कि आप देख रहे हैं कि यज्ञशाला है, अब ठीक यज्ञशाला के सामने ही मेन गेट ठकवारी का मेन गेट है। जो दोस्तों आप लोग के लिए ही हम ये वीडियो ब्लॉग वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि आप लोग को दिखा सकें। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर में, अंदर से आप लोग का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह का मंदिर बना हुआ है अंदर में, जो किस तरह का नज़ारा है मंदिर में, जो कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते हैं इसलिए हम आप लोग से धीरे धीरे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यही है मेन मंदिर, ये ठाकुर जी का मंदिर है जो कि आप देख रहे हैं।